प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो दादाजी कब आएंगे? दादाजी बेटा 2 दिन में आ जाएंगे। मम्मी, दादाजी जब मुझे बिना बालों को देखेंगे तो वो तो देखते ही रह जाएंगे ना? हाँ बेटा, दादाजी को जब तुम्हारे सच्चाई के बारे में पता चलेगा ना, तो वो इतना खुश होंगे कि खुश होते रहेंगे। क्या हुआ मम्मी? टप्पू, मैं सच में बहुत नसीब वाली हूँ कि तू मेरा बेटा है। मम्मी बोलने दादी का, पहले जब तू बाल कटवाने नाई के पास जाता था ना, तो ये तुम्हारी कली वो थोड़ी सी भी छोटे काट देता था ना, तो तू गुस्से में आकर उसकी दुकान सर पर उठा लेता था, और इसलिए तू हर बार नाई बदलता था, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता था कि वो लोग तुम्हारे बाल ठीक तरह से नहीं काटते हैं। और वो बालों का तूने हंसते हंसते त्याग कर दिया बेटा, अपना सर गंजा करवा दिया। मम्मी, तुम जानती हो दुनिया में ऐसी कौन सी बात है जो टप्पू को सबसे ज्यादा नापसंद है? क्या? टप्पू की मम्मी की आंखों में आंसू। मम्मी, तो कभी उदास मत होना, टप्पू देख नहीं पाता मम्मी। अब स्माइल करो, हंसो। खुश? हाँ। ए मेरा दिक्का। सोडा तो ठंडी लाया हो कि नहीं? सोडे के साथ साथ मेरे लिए ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी लाया हूँ। अरे पोपटलाल खर्चा करेगा तो खुद भी कांपने लगेगा। मेहता साहब आप भी। अरे लेकिन ये जेठालाल किधर है, अभी तक आया नहीं? हाँ यार, कितने जेठापरा। अरे हाँ, कहीं जेठालाल ने पार्टी में आने का प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं कर दिया? भाई पोपटलाल लो आ गए। सब कुछ कैंसिल हो सकता है, लेकिन आज के पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता। अबे जेठा ब्रा, मैं यार। अरे 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 यार, तो सर ठीक है जेठालाल, लेकिन लेट यार फिर से। अरे भाई दया ने रोक लिया। क्यों? मैं निकल रहा था तो पूछने लगी कहाँ जा रहे हो। बहाना बना के भाई मैं जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तो बोली अरे वाह, अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो अभी मत निकलिए, 1 घंटे के बाद निकलिए, अभी अशुभ मुहूर्त चल रहा है। फिर तो मैंने बोला भाई मैं जिस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, इस मीटिंग के लिए शुभ अशुभ कोई मुहूर्त लागू पड़ता ही नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे वो सब ठीक है भाई, अब शुरू करो, जल्दी लाओ सब सामान लेके आओ यार। हाँ 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 भाई, पप्पू जल्दी जा और ले आ। मेहता साहब एक काम कीजिए, मेरे छाते को जरा संभाल के रखिए। हाँ भाई अब्दुल्ला, बड़े दिनों के बाद तो मौका मिला है खाने पीने का। मानू से यहाँ घर में भी छाता नहीं छोड़ता, ये इसकी छत टपकती होगी। सही बात है। अरे दोस्तों, इतने दिनों के बाद तो पार्टी का प्रोग्राम बना है। अरे पोपटलाल, अरे जल्दी करो यार।
हाँ, वरना जब भी पार्टी शुरू करने जाते थे चंपक चाचा जी की एंट्री हो जाती थी। अच्छा होना यात्रा पे चले गए। आराम से संभाल के भाई। ओ जेठा भरा, मैं क्या कहता हूँ, ओ चंपक चाचा को हर महीने किसी ना किसी यात्रा पे भेज दिया करो। थोड़ी फिर हर महीने ऐसी पार्टी एंजॉय करेंगे। चलो चलो जल्दी 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 बनाओ, जल्दी बनाओ भाई। अरे भाई क्या कर रहे हो, संभल के संभल। तेरा स्टाइल मारना। अरे हाँ 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 हाँ, चारों दिशा में जाना चाहिए भाई। हाँ, मौका भी है, मौसम भी है, दस्तूर भी है। अरे बबीता जी भी है। कैसी बबीता जी? कहाँ है बबीता जी? अरे अय्यर के चेहरे पे शक्ल तो देखो इसकी। अय्यर भाई क्या मेहता साहब, क्या मजाक कर दे आप भी। अरे पसीना पोछो कोई अय्यर भाई का। अरे अरे हाथी भाई, पार्टी शुरू होने के पहले ही वेफर्स खत्म मत कर दीजिएगा भाई। हाँ चिंता मत करो पोपटलाल, थोड़े और भी हैं। अपना स्टॉक साथ में ही रखते हैं भाई। ओ तेरी, ओ जैसा पारा शरीर वैसे ही पेपर, क्या बात है। ओ यारो मैं क्या कहता हूँ, अभी गिलास जोरदार भरे हुए हैं तो पड़ावन शुरू करते हैं अपनी जबरदस्त पार्टी। बिल्कुल चलो चलो चलो, रेडी है। किसका फोन है यार? अरे यार बॉस का फोन है। ओए कमाल है, ओ आ जाओ जी आ जाओ। सूरी क्या करता है यार, बॉस का फोन है, नौकरी का सवाल है। ओ पार्टी शादी के लिए बुला रहा हूँ, बॉस को भी बुला लो। क्या बुला रहा हूँ सूरी यार, यार इसके सामने तो बात करना भी बेकार है। एक मिनट। हाँ बस मैं आपको समझाता हूँ, वो आर्टिकल मैंने असल में कंटेम्प्रेरी लिखा है। हाँ उसी रेफरेंस में लिखा है। हाँ हाँ मैं क्या करता हूँ, मैं आपको भेज देता हूँ ना दूसरा। हाँ बस थोड़ा सा बिजी था अभी, वही अगले सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा था, तो मैं थोड़ा बैठ के थोड़ा सा ब्रेन जोर लगा रहा था कि भाई क्या लिखूं इस तरह से। हाँ हाँ ओके बस। या, या, या। मम्मी बालों में तेल क्यों लगाते हैं? तेल लगाने से सिर खींचता नहीं और दिमाग है ना वो एकदम ठंडा रहता है। ठंडा? चलो बेटा अभी मालिश हो गई है, हम सो जाते हैं। तुम्हारे पापा तो रात को मीटिंग करके देर से आएंगे। ओके मम्मी। हेलो बापूजी, जय जिनेन्द्र, कैसे हो? दादाजी को मत बताना कि मैंने अपना सर गंजा किया है, दादाजी का सरप्राइज दूंगा। बापूजी अभी आप कहाँ नासिक में हो? अभी आप घर आ रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ आधे घंटे में दादर पहुंचेंगे। हाँ टप्पू के पापा को बता दूंगी। ये दादाजी आ रहे हैं, ये पापा को फोन करके बता देती हूँ। ओके बस सी यू। एक मिनट भाई, एक मिनट, सबसे पहले अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो भाई। चलो दया, मैंने तुझे मना किया था ना फोन करने के लिए। देखो टप्पू के पापा बात ही कुछ ऐसी है, बापूजी आधे घंटे में दादर आ रहे हैं। क्या बापूजी आ रहे? दया तू मजाक तो नहीं कर रही है? नहीं बापूजी ने खुद फोन करके बताया। अच्छा उनकी तबीयत? नहीं 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 एकदम मस्त है, अब उस बात का कुछ टेंशन मत लीजिए। हेलो पापा। हाँ बोल। दादाजी को मत बताना कि मैंने अपना सरगंजा किया है, दादाजी को सरप्राइज दूंगा। अरे भाई सरप्राइज तो अभी मुझे मिली है, बहुत बड़ी। क्या? तेरी माँ को बोल मैं बापूजी को लेना भी आधे घंटे में दादर पहुँच रहा हूँ। दादर? ओ तब तक तो पार्टी शार्टी हो जाएगी। अरे माँ तो अभी सो रही होगी, मैं कल सुबह उसको बता दूंगी।
हाँ ठीक है, फोन रखना भाई साहब। सॉरी दोस्तों, बापू जी यात्रा से अचानक वापस आ रहे तो मुझे उनको रिसीव करना दादर जाना पड़ेगा। जेठालाल सब ठीक तो है ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे एक टेंशन की बात यह है कि मेरे लिए आज की पार्टी कैंसिल। आप लोग एंजॉय करो। जेठालाल मैं चलूं साथ में? नहीं नहीं नहीं, अरे आप ठीक है, आप करो एंजॉय करो, चलो मिलते हैं बाद में। अरे बाजू रोने पाए जाने दो ना। आओ भाई आप इधर बैठो। बैठ बैठ। अरे जेठा प्रा के जाने से तो पार्टी का पूरा मूड आधा ही हो गया। सॉरी, मूड को पूरा कर देते हैं, चलो पार्टी करते हैं। चीयर्स। क्या हुआ क्या यार, हम लोग कोई पीने के लिए पार्टी थोड़ी करते हैं भाई, ये तो एक बहाना है, इसी बहाने सारे दोस्त मिल बैठ के एंजॉय करें, पार्टी ये होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मेहता साहब, वैसे भी अभी जेठा के बगैर पार्टी का मजा नहीं आए। एग्जैक्टली कमाल है भिड़े, तुम्हें मजा नहीं आएगा? तुम तो जेठालाल के साथ हमेशा लड़ते ही रहते हो। पोपटलाल, जेठालाल और मुझ में मतभेद जरूर है लेकिन मनभेद नहीं है, और वो भी गोकुलधाम के परिवार का एक सदस्य है भाई, और मेरा दोस्त है, और हमें जो तुतु में होती है वो उसमें भी एक अलग मजा है। क्या बात है? सही बात है। मैं अब पियेंगे तो जेठा भाई के साथ ही पियेंगे, तब तक सिर्फ खाएंगे। जेठा प्रा के बगैर तो पार्टी का कोई मजा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे वाली बात हो गई जैसे ढोल के बगैर आप भंगड़ा कर रहे हो। मैं क्या कहता हूँ, एक मिनट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये घोषित करता हूँ कि आज की पार्टी कैंसल। भरे हुए गिलास का क्या करें? पोपटलाल एक काम करो, बताइए बताइए मेहता साहब, ये वॉश बेसिन में डाल दो सारे भरे हुए ग्लास, पाइपलाइन क्लियर हो जाएगी। हाँ। और बोतल संभाल के रख देना, बाद में काम आएगी। नेक्स्ट टाइम। हाँ भाई चलो चलो आयो। चलो 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 चलो, इतने दिनों के बाद पार्टी का प्रोग्राम। चलो दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि। आइए बाबूजी। मम्मी दादाजी आ गए, मैं अंदर छुप रहा हूँ, दादाजी को अचानक से सरप्राइज होगा, दादाजी को बताना नहीं मैं अंदर हूँ। हाँ हाँ उठो। आइए आइए। आइए बाबूजी, जय जिनेंद्र आंटी जी, जय जिनेंद्र बाबू। अरे जेठिया। हाँ बाबू जी। टप्पू कहाँ है? टप्पू टप्पू सो गया क्या? नहीं बाबू जी। टप्पू, ए टप्पूड़ा, दादाजी बाबूजी वो दादाजी, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है, ये जिद मैंने ही पकड़ी थी। टप्पू तो टप्पू, ये क्या किया तूने? बाबूजी वो हुआ यूं कि Hey, Jire.
शाबाश मेरा टपुड़ा शाबाश। मारो दिक्रो टपो, तूने जो किया है उसका मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू तो पेड़ जैसा है जो खुद धूप में खड़ा रह के दूसरों को छाव देता है। जी क्या, जीवन में सब लोग सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जीवन की असली खुशी खुद को खुश करने से ज्यादा दूसरों को खुश करके खुशी पाने में है। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने, लेकिन बापूजी ये टप्पू की एक शिकायत मुझे आपसे करनी है। क्या? अरे बापूजी लाख पूछने पर भी इसने हमें बताया नहीं कि यार सर गंजा क्यों करवाना चाहता था। हाँ बापूजी। टप्पू। लेकिन दादाजी। नहीं बेटा ये गलत बात है। बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि हम जीवन में कितना भी बड़ा काम क्यों ना करें, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन हमारी हर बात हमारे माँ बाप को बतानी चाहिए, उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अरे टपुड़ा, गुरु और माँ बाप तो ईश्वर के समान होते हैं। जी दादाजी, लेकिन दादाजी आप ही ने तो कहा था कि जीवन में जब भी कोई नेक काम करो तो इस तरह करो कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, लेकिन वो दूसरों के लिए, माँ बाप के लिए नहीं, क्योंकि माँ बाप तो हमारे जन्मदाता होते हैं, हमारी आत्मा होते हैं, हमें उन्हें सब बताना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तूने ये बात छुपाई और जब तक सच का पता चले तब तक तेरे मम्मी पापा कितने परेशान हुए होंगे। हुए होंगे क्या बापू जी, बहुत परेशान हुए। देखा। जी दादाजी, सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। आइंदा याद रखना। जी दादाजी। वैसे बापू जी आप दो दिन के बाद आने वाले थे ना? अरे हाँ बापू जी, पहले बताया होता तो क्या वो हिसाब से हम प्रोग्राम बनाते ना। प्रोग्राम? बापू जी को दादर लेने जाने का प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे बापू जी ये अचानक दो दिन पहले आने का प्रोग्राम कैसे बना? अरे वो क्या हुआ कि वो दूधा को वहाँ ठंड लग गई। दूधा का कहो? हाँ वो खाली दिखने में ऐसा है, बाकी अंदर से एकदम कमजोर है। ले बोला। तो उसको वहाँ ठंड लग गई तो दो दिन आश्रम में रहने की बजाय हमने सोचा कि घर चले जाते हैं, तो वो लोग मुझे मुंबई की बस में बिठा कर कच्छ की ओर निकल गए। लेकिन जेठिया मेरी सनी सिंगड़ापुर की यात्रा एकदम सफल रही है। मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान हमें इस लायक बनाना कि हम दूसरों को खुश रख सके, किसी के आंसू पोंछ के उनके चेहरे पर खुशी ला सके। बेटिया एक बात हमेशा याद रखना है, किसी को कांटा लगे और उससे पहले हम दर्द महसूस करें तो समझो कि भगवान ने हमें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। वाह बापू जी क्या बात कही आपने। वाह। पिता पुत्र और पौत्र तीन तीन पीढ़ियां एक साथ और तीनों पीढ़ियों का आपस में इतना प्यार, भाई ये है हमारी हिंदुस्तानियत, ये है हमारी भारतीयता। कितना अच्छा लगता है इस तरह से लोगों को हंसते खेलते देखना और गड़ा परिवार, भाई किसी की नजर ना लगे, काला टीका लगाने का जी करता है, ऐसा प्यार बना रहे। भाई घर में बुजुर्ग का होना बिल्कुल माथे पे तिलक के होने जैसा होता है। बुजुर्ग आदमी के हाथ में लाठी जरूर होती है लेकिन वो परिवार के लिए लाठी के सहारे की तरह होता है, जैसे हमारे चंपक चाचा। जेठालाल कभी कुछ ऐसे वैसे रास्ते में निकल जाए तो तुरंत सिग्नल बन के रोक लेते हैं चंपक चाचा, और टप्पू के लिए तो लगाम की तरह है, संस्कारों की लगाम वही लगा के रखते हैं। टप्पू को ढील भी देते हैं और टप्पू को समय पे टोक भी देते हैं। अब देखिए ना, टप्पू ने इतना अच्छा काम किया लेकिन रास्ता गलत था तो चंपक चाचा ने ही समझाया। यही होती है बुजुर्ग व्यक्ति की खासियत विशेषता कि हमें रास्ता भी दिखाते हैं और जिंदगी कैसे जी जाए ये भी बताते हैं। और हमारा टप्पू भाई इसकी शरारतें आप जानते हैं ना, चांद का उगना बंद हो सकता है लेकिन जेठालाल का मौज मस्ती करने की इच्छा करना और टप्पू का शरारतें करना ये कभी बंद नहीं हो सकता, और आपका हंसना ये तो कतई बंद नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए और हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।